Shake it up. Shake it up. Anji! Oh, cupcake. Yummy, huh? It's a sehat hi banti hai. Ab bimar bhi nahi padte, you know? Okay, guys, live in 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Welcome back to Shake It Up Mumbai. अगले हफ्ते आपकी मुलाकात होगी दी हाइलाइटर रॉक स्टार्स के साथ जो सीधे आ रहे हैं इंग्लैंड से और अब आज की शाम को शेक अप करने आ रहे हैं हमारे अपने शेक इट अप के डांसर्स दी शेक इट अप डांसर्स आज देखते हैं कि बाजी कौन मारता है सर हम यश और नील हैं। ये तुम्हारा बहन है क्या तुम दोनों का जो भी ना है अगले हफ्ते तुम लोगों को मिल रहा है स्पॉटलाइट डांस तुम दोनों टुकड़ुक मेरे प्रोजो को तो फीवर है इसलिए हम दोनों को तो स्पॉटलाइट डांस मिल नहीं सका अब चांस था नेक्स्ट बेस्ट जोड़ी का वो भी बीमार हो गई है तो ऑब्वियसली शिखर जी आपने इन दोनों लपू झनों को चांस दे दिया हमें स्पॉटलाइट डांस मिला तुम्हें नहीं मेरा तेरा स्पॉटलाइट डांस ओ ये मेरा तेरा स्पॉटलाइट डांस ओ ये ये बटर का टेस्ट कैसा अजीब सा है येलो वाला बटर खत्म हो गया था तो व्हाइट वाला लगा दिया व्हाइट बटर इससे अच्छा बकरी के दूध का बटर बनवा लेते देख चुक्कू मम्मी अभी बीमार है तो जैसा दे रहा हूँ या तो वैसा खा ले या फिर मत खा मुझे दोनों ही चलेगा गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों कैसे कैसे आप मेरे से थोड़ा दूर ही रहिए मेरा स्पॉटलाइट डांस है ना तो मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं पता नहीं ये फ्लू मेरे साथ क्यों नहीं छोड़ रहा है बचपन का दर्द याद आ गया मैं आपके बचपन के दर्द को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा स्पॉटलाइट डांस ही मेरे लिए सब कुछ है बस कितनी बार बताएगा अब एक बार भी और बताए तो कूद पड़ूंगी तेरे ऊपर ओह गॉड आयुष बेटा आज तुम्हें बड़े काम करने हैं हाँ कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था आज मैं लेकिन बड़ा हो गया मैं अपने काम आज से खुद करूंगा रुक जा रुक जा रुक जा तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो यहाँ आ जाओ मैंने धीरज को बुलाया है तुम्हारी हेल्प करने के लिए समझे धीरज मेरे काम में हेल्प करेगा बीमार आप हो भुक तू मैं हम स्पॉटलाइट डांस के लिए कौन सी वाली जैकेट पहने ब्लू वाली या फिर येलो वाली सिर्फ और सिर्फ येलो वाली अच्छा अब बता कौन सी पहने एक काम करते हैं शेखर से पूछते हैं शेखर स्पॉटलाइट डांस के लिए मैं इन दोनों में से कौन सी जैकेट पहनूं मैं येलो वाली पहनूंगा शेखर तुम ये हैट अपने पास ही रख लो रेडी ओह क्या तुम ठीक नहीं हो नहीं बस जुकाम है नाक बंद है गला थोड़ा दर्द कर रहा है पेट भी थोड़ा हैवी हैवी है पसीने भी आ रहे हैं ठंड भी लग रही है बाकी सब ठीक है अच्छा मुझे लगा आप बीमार हो शेखर तुम कुछ देर रेस्ट कर लो काश ऐसा हो सकता लेकिन वो हाइलाइटर रॉक स्टार्स आ रहे हैं इंग्लैंड से यू नो और उनके पास सिर्फ आज का ही दिन है और मेरा इतना बड़ा मौका स्पॉटलाइट डांस
मैं पक चुका हूँ ये सुन सुन के। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्पॉटलाइट डांस में मैं भी हूँ। यार ऐसी बात नहीं बनेगी, मुझे थोड़ी देर तो रेस्ट करना पड़ेगा ना। देखो मैं समझता हूँ कि तुम दोनों के लेकिन यार तुम लोगों के लिए स्पॉटलाइट लेकिन मैं बीमार हूँ यार। क्या कहा आपने? बीमार हो यार, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही शेखर को प्रोफेशनल समझा था। प्रोफेशनल को तो शो के सभी रूल पता होते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन मैं बीमार हूँ। कोई बात नहीं, आप जाके रेस्ट करो। इस शो को मैं और यश हम दोनों मिलके संभालेंगे। बस आप शो को होस्ट करने के लिए आ जाया करना। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हुई ना तो तुम दोनों का स्पॉटलाइट डांस कैंसिल। कोई गड़बड़ी नहीं होगी। डन, श्योर। अच्छा सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अभी कुछ घंटों के लिए यश और नील यहाँ के इंचार्ज। इंचार्ज? एक मिनट एक मिनट, मैं लगता है सीरियसली बीमार हूँ। मैंने अभी भी किसी को कहते हुए सुना कि यश और नील यहाँ के इंचार्ज हैं। आप ही ने तो कहा था। अबे भुक्कड़, तेरी मम्मी ने तुझे बोला था ना कि लंच से पहले कुछ भी नहीं खाना। पर यही तो लंच है। ये तेरी मम्मी ने इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर दी है, बड़े बड़े काम है तेरे। तेरे डॉक्टर के पास जाके तेरे पेट के कीड़ों की रिपोर्ट लानी है। बू। तेरे स्कूल का नया यूनिफॉर्म भी सिलवाना है। सुपर बू। ये सब काम तेरी मम्मी ने अपुन को करने को बोला है। धीरज भैया, आपको एक बात बताऊं? आप खुशी ममो सबको हवा देते रहते हो। अब उनके बैग में हर समय वीडियो गेम होता है। कोई भी एरिया हो अब उनको सब जानता है। अब उनका भाई लोग हर जगह है। सब झूठ बकवास, समझे? बकवास। अपने को बम दे रहा भाई। ये देख, एक फाइनल एसल्यूट का नया वर्जन आया है। अच्छा, लेकिन आप ना डरते हो, मम्मी ने लिस्ट दी है। देखो डरपोक भैया को। अपुन नहीं डरता है, बोले तो गोली मार भेजे। मैं गोली मार इस लिस्ट को। बताओ यार, अपुन के पास दो दो मुंबई क्रिकेट का पासेज है, चलता है क्या? अपुन बोलता है झकास। ये बोले तो चलो फिर। ए छूना नहीं। नील, हम यहाँ करेंगे क्या? हमें तो ये भी नहीं पता टीवी शोज चलते कैसे हैं। ये शेक इट अप मुंबई है यार, एक चलती फिरती मशीन। तुझे पता है ना हमें क्या करना है? ओके, हमें इस चेयर पे बैठना है, अपने पैर ऊपर रख के और ऑर्डर देने हैं, फिर सब काम खुद ब खुद हो जाएंगे। मम्मी आप आ गए हो। मम्मी, मम्मी भूख लगी है, पराठे दो ना। मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस हालत में शेखर शो होस्ट कर पाएगा। शेखर सर जी, अरे देखो मैंने आपके लिए गर्म गर्म सूप लाई हूँ। सूप अंदर बुखार बाहर, लो पियो। पराठे? ओ जी हाँ, लिक्विड पराठे जो कि कद्दू करेला दूध हल्दी बीटरूट और अदरक से बना हुआ है। देखा, बोला था ना सूप अंदर बुखार बाहर। अब जी अगला एक घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है गए जी। शेखर सर जी जिंदा रहे तो रहेंगे। खैर पता है ना, मैं अभी मैनेजर से बात कर रही थी तो इंटरनेशनल नियॉन स्पेशलिस्ट डांसर्स टीचर्स वो जो हाइलाइटर्स, आगे बोल। उनको अपने डांस में 3 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए थे। अगर हम हाइलाइटर्स को 3 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं तो हमें कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ तो सिंपल है ना जी, अपना स्पॉटलाइट डांस कैंसिल कर दो। वैसे भी आधा मुंबई तो बीमार ही पड़ा है, बाकी आधी को क्यों टॉर्चर करके बीमार करना चाहते हो? यार यश, एडी पागल है क्या? 3 मिनट एक्स्ट्रा, वो भी उन फूल टफर इंग्लिश हाइलाइटर्स को। शायद तुझे ये कहना चाहिए था कि वो फूल टफर डांसर्स नहीं, सुपर हाइलाइटर्स है, इंटरनेशनल सुपर हाइलाइटर्स, है ना, है ना, है ना? अरे सुपर होंगे अपने देश में, अपने फ्लोर पे, बट यहाँ
नील इज द किंग एंड नील ही दाता है किल्ली किल्ली अबे चुप रहा कर यार दिमाग खराब मत किए कर मरवाएगा तू ऐसा रिएक्शन होता होगा पब्लिक का उनका डांस देख के हम हैं हाइलाइटर्स हमारे सेट पे सीन भी नहीं है इसीलिए हम इतने बड़े डांसर हैं नील मिले इनसे द हाइलाइटर्स हेलो मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं सीरियसली अरे सच्ची रुको डांसर हाइलाइटर्स शश अब ये कहां जा रहे हैं पता नहीं यार शायद स्टेज पे जा रहे होंगे या फिर अपना नया सीन लगवाने तू इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकता है मैंने क्या किया अच्छा जब मेरे मुंह से वो ज्ञान गंगा बह रही थी डफर फूल इंग्लिश हाइलाइटर्स तब तूने मुझे रोका क्यों नहीं यार अच्छा तो तू बता अब चुप रहे तेरा दिमाग खराब क्यों कर रहा है थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता मरवाएगा क्या इसका क्या मतलब होता है अब कुछ भी हो यार बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अगर करण को पता चला कि हाँ अरे अपना शेखर यार कि हाइलाइटर्स हमारी वजह से शो छोड़ के जा रहे हैं वजह से तो मेरी स्पॉटलाइट डांस का क्या होगा यार हमारी स्पॉटलाइट हाँ भाई तेरी स्पॉटलाइट डांस लेकिन अब क्या करें पहले वो बता मेरे पास एक आइडिया है जबरदस्त प्लान है सुन मैं चिंचपोकली के डांस ग्रुप को जानता हूँ बहुत कमाल के ऑसम डांसर्स हैं वो तो तेरे कहने का मतलब है कि हम इंटरनेशनल हाइलाइटर्स को छोड़ के चिंच पोकली के घटिया ग्रुप डांसर्स को बुलाएं शेखर का वैसे भी हैप्पी बर्थडे मन रहा है हमें उसे सिर्फ यही बताना है कि यही हाइलाइटर्स हैं और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा एकदम घटिया और बकवास आइडिया है पर पहले मैंने क्यों नहीं सोचा बेटा ये स्टेडियम में जो स्टॉल है ना वो अपुन के भाई लोग का है कुछ भी खाने का है ना तो व्हाट्सएप बोल रहा है जो भी मांगता है और नहीं तो क्या आपने मुझे कॉर्नेट खाना ही नहीं दिया जब ये रुकना ये वासु भाई दो चिकन रोल अंदर अंदर ये वासु भाई बस करना भाई वासु भाई बटाटा चिप्स भी रखते हो क्या ये तू ऐसा हो गया है क्या बोले तो ये अपुन का वासु भाई का नहीं अपुन के नितिन भाई का बिजनेस है क्या नितिन भाई सब फिट ये ले ओ वासु भाई यार तुम क्या कर रहे हो यार वाह भैया क्या बात है मैं तो कभी घर नहीं जाऊं आप यहाँ रहते क्यों नहीं एक बार अपुन ट्राई किया था एक हफ्ते तक रुकने की पर सुबह सुबह टमाटर सॉस से ब्रश करने में थोड़ा परेशानी होता था यार देखो मुनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा भैया क्या नितिन भाई बैंडेज क्या हुआ तुम्हें बोला ना तुमको मत करो बोले हो ना शुक्र है जिंदा है चल शो का टाइम हो गया उठा दे मैं उठा दूँ तू नहीं उठा सकता ठीक है दोनों उठाते हैं तीन की काउंट पे 1 2 3 शेखर हर बार उल्लू बन जाता हूँ क्या हो रहा है सर वो शो का टाइम हो गया नील और यश को बोलो मैंने सुना शेखर ने उनको इंचार्ज बनाया नील चल चार्ज करते हैं ठीक अबे क्या कर के आते हो चल अब जींस पहनाते हैं तू पहना ना तू पहना ठीक है तीन के काउंट पे दोनों पहनाते हैं 1 2 ट्राई भी मत करना पकड़ देख शेखर ने हमें इंचार्ज बनाया और हम कितने आराम से काम खत्म कर रहे हैं ना और हाँ मम्मी पराठे के साथ दही जरूर लेकर आना चल अब इसे ये पहना देते हैं उठाने में हेल्प कर ठीक है तीन के काउंट पे 1 2 3 उठा तू पागल है क्या उठ जा मेरे साथ शेखर
मैं हूँ शेखर, आपका शहंशाह शेखर ग्रोवर। और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? शेकिंग ऑफ मुंबई। I love that show. तो और अब आपके सामने आ रहे हैं फाइव फाइव, बाकी का बाद में उठा इन्हें। चल चलो। क्यों भाई, मैच कैसा था? मस्त था, लेकिन कुछ दिन और चलेगा क्या? अब क्या करूं? चिल कर यार। ना तो मेरी यूनिफॉर्म आई, ना तो पेट की कीड़े वाली रिपोर्ट आई, और अब ये काली आंख। हाँ, अगर तुम्हारा कोई कजिन टाइम मशीन में बैठ के सब कुछ ठीक कर दे तो पता नहीं। बोले तो धीरज भाई के पास हर चीज का जुगाड़ है क्या? भाई ये मेरे छोटू, ये आप उनका ओल्ड कजन संजू भाई। और ये मेरी कीड़े वाली रिपोर्ट का क्या होगा? अच्छा, ये आप उनका कजन नीरज भाई। चलो। और ये मेरी काली आंख का क्या होगा? ये आप उनका कजन नेहा, ऐसा मेकअप करता है ना जैसे लगे प्लास्टिक सर्जरी। वाओ जादू। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, जब मेरे पिंपल्स आ जाएंगे तो फिर मैं आपको फोन करूंगा। सॉरी धीरज भैया, मैंने आपको डाउट किया, मैं आपकी महानता को प्रणाम करता हूँ। मैंने सच कहा था, यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। ये बेटा। हाय चकर, तुम कैसे हो अभी? पहले से बदतर हूँ, थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है। ज्यादा दिख तो नहीं रहा ना? नहीं ज्यादा तो नहीं, पर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। We are live in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. मैं हूँ शेकिंग का शहंशाह शेकिंग शेखर, और आप देख रहे हैं शेक इट अप चेन्नई मुंबई। बस यार, अब हम थोड़ी देर में बचने वाले हैं, अगर वो तेरे फ्रेंड्स हाईलाइट डांसर बनके परफॉर्म कर दे तो। हाय, तुम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते, चलो चलो बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पे एक चिंच पोकली का डांस ग्रुप आने वाला है। सो ये बच्चे ही वो चिंच पोकली वाला डांस ग्रुप है क्या? हेलो वेलकम। एक मिनट, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शेखर 2 मिनट में देख के पता लगा लेगा कि ये हाईलाइट डांसर्स नहीं है, पागल। एक पागल की पागलपन की वजह से हाईलाइटर्स चले गए, तो दूसरे पागल को शो को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ा। पर सुन, अगर तेरे पास कोई बेटर प्लान है तो बता दे। अगर मेरे पास कोई बेटर प्लान होता ना तो मैंने बता दिया होता। और इंग्लैंड से सीधे आए हैं हाइलाइटर्स रॉक स्टार। साइज में थोड़े से छोटे हो। तालियां। देखा, शेखर को कुछ भी पता नहीं चला। चल यार, अब मेरे हमारे स्पॉटलाइट डांस का वक्त हो गया है।
किसी ने एसी ऑफ किया क्या? मुझे अचानक से गर्मी लगने लगी। क्या बोल रहा है तू? तुझे गर्मी हो रही है? मेरे को तो लग रहा है किसी ने एसी का टेम्परेचर कम कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। छिप, लगता है मैं फ्लू हो गया है। फ्लू? नहीं 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 यार, अभी कोई फ्लू व्लू नहीं हो सकता। अभी तो सिर्फ हमारा स्पॉटलाइट डांस ही हो सकता है। पूजा क्या कर रही है? बीमारी और कमजोरी की वजह से तुम दोनों के गिरने का इंतजार, ताकि तुम दोनों की जगह स्टेज पे जाके मैं स्पॉटलाइट डांस कर सकूं। अपनी जुबान पर लगाम दे बदतमीज लड़की। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आज के हमारे स्पॉटलाइट सेक्शन में हमारे अपने वेरी टैलेंटेड यश और नील। पता नहीं ये फ्लू है या कुछ और है। अरे कैसा रहा तुम दोनों का दिन? अरे दिन बोले तो ये बता। अब क्या बताऊं मम्मी, इतना काम था कि पूरा दिन बिजी ही रहा। बोले तो सबसे जास्ती मजा तो तब आया जब डॉक्टर ने अपुलो को चुप रहने के लिए बोला। मैंने आज पूरा दिन क्या किया पता है? टीवी देखा। धोनी ने ऐसा छक्का मारा जाके एक बच्चे को लगा। वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लेकिन तुम तो वो हो ही नहीं सकते। नहीं, क्योंकि तुम तो क्लिनिक में बैठे थे। हाँ। लगता है अपना झूठ पकड़ा गया। अब क्या करें? अपने किसी कजन को बुलाओ और बचाओ। बोली तो अगर हम लोग किसी तरह से छत पर पहुंच गए ना, तो अपना एक भाई है मुकेश भाई, उसका है ना हेलीकॉप्टर सर्विस है, तो हम लोग बच जाएंगे। रुको, तुम्हारा हेलीकॉप्टर पंक्चर हो चुका है और तुम भी सीधा कमरे में जाओ।